अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अली ब्लॉक स्ट्रीट टूर पे लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, और बैरियर टाउन के हवाले से न्यूज़ एंड अपडेट्स और रेट्स के हवाले से आपको हम एनालिसिस देते रहें। अभी हम एंटर हो चुके हुए हैं अली ब्लॉक के अंदर, और अली ब्लॉक जो है वो यूनिक है, या इसकी जो सबसे मुनफरद पहचान है वो 125 गज़ के हवाले से। ये बहुत ही बेहतरीन और फेवरेट ब्लॉक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीडली हो रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्डर्स के और लोगों के अपने जिन रहायशियों ने खुद से घर जो है वो शुरू किए हुए हैं, और यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, बड़ी स्पीड से रह रहे हैं। 125 गज के लिए ये बहुत ही फेवरेट जगह है। अभी हम रोड वन पे एंटर हुए हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीटेड घर हैं, यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हो रही हैं। हमने भी अपने क्लाइंट्स को लेकर दिए हैं, लोग शिफ्ट हुए हुए हैं, फैमिलीज रह रही हैं। यहाँ पे कमर्शियल नज़दीक है, मार्केट नज़दीक है, और मस्जिद भी यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, और स्कूल के लिए जगह छोड़ी हुई है, बड़ा पार्क के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो यहाँ पे प्राइस के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो 125 गज़ का प्लॉट है, यहाँ पे एक जो 25 गज़ का प्लॉट है उसकी कीमत 35 लाख से लेके 45 लाख तक की है। और अगर हम विला की बात करते हैं, रेडी घर की बात करते हैं, तो 1 करोड़ 15 20 से लेकर 1 करोड़ 25 30 तक की यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी हो रही है। पहले थोड़े से 1.5 के राउंड भी हमने यहाँ पे बेचे हैं घर, लेकिन अभी पिछले 2 3 माह से मार्केट बेहतर हुई है, तो अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती। एक 15 से प्लस प्लस से यहाँ पे जो है वो जाके अवेलेबिलिटी अभी हो रही है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन और हाइट्स जो है वो आप लोग जानते होंगे, अगर जो नए दोस्त हैं जो अली ब्लॉक को पहले नहीं समझते या जिनको नहीं अंदाज़ा, तो मैं ये बताता चलूँ कि ये वाहिद ब्लॉक है जो गेट के बाद 125 गज़ का ब्लॉक आता है, और ये हाइट्स पे भी है, हाइट पे भी है, और यहाँ पे इसकी लोकेशन और यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत बेहतरीन है, और यहाँ पे पार्क बने हुए हैं ऑलरेडी। अभी अली ब्लॉक का जो एक पार्क जो रेडी है यहाँ पे, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा भी बहुत से पार्क अभी यहाँ पे जगह छोड़ी गई है, वहाँ पे काम हो रहा है लेकिन उनकी फिनिशिंग नहीं हुई। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और हम बैरियर टाउन कराची की न्यूज़ अपडेट्स और रेट्स के हवाले से आपको अपनी एनालिसिस देते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।